कीवर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कीवर्ड की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो कीवर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इनपुट कुंजी पटल है। और इसकी जो खोज किए थे वो किए थे आपके क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने जो कि अमेरिका के थे। इन्होंने इन्वेंशन कीबोर्ड का 1868 ईस्वी में किया था। इन्होंने सबसे पहले कीबोर्ड का अरेंजमेंट जो है एक टाइपराइटर के बलबूते पे किया था। टाइपराइटर में भी इस प्रकार से किए थे कि जहाँ पे यहाँ पर देख रहे हैं कि ASDF के रेंज में है। पहले इन्होंने कैसा सजाया था, तो ABCD के आधार पर सजाया था। तो ABCD के कारण क्या हुआ था कि लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी और स्पीड भी नहीं बन पाता था। लेकिन इन्होंने बाद में इनको चेंजेस किया और फिर से इन्होंने इस कीबोर्ड को इस प्रकार से क्वार्टी कीबोर्ड में अरेंज किया। इसमें सबसे होम रो में इन्होंने QWERTY दिया। इस कीबोर्ड का नाम था क्वार्टी कीबोर्ड और यही कीबोर्ड आज बहुत ही प्रचलित हो गया है। तो शुरुआत में ABCD वाला कीबोर्ड आपका समाप्त हो गया। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि ASCII के ऊपर में आपका फंक्शंस कीबोर्ड रहता है, यानी F1 से लेकर के F12 तक की एक कीज होती है जो इस कीज में नहीं दिखा रही, क्योंकि ऐसा कीज आपको टाइपराइटर में देखने को मिलता है। टाइपराइटर में कोई भी स्पेशल फंक्शंस नहीं होते थे, इसलिए इस लैपटॉप के कीबोर्ड में भी हमने दिखाया कि इसमें कोई भी इस प्रकार का स्पेशल नहीं है। लेकिन आगे चल के हम सारे फंक्शंस की के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि फादर्स ऑफ टाइपराइटर क्वार्टी कीबोर्ड क्रिस्टोफर लैथम सोल्स जो कि अमेरिका के हैं, इन्होंने इन्वेंशन 1868 ईस्वी में किया था और इनका जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1819 को और इन्होंने डेट किया था 17 फरवरी 1890 में, लगभग 71 साल में। ठीक है, कीबोर्ड को डिवाइड किया हमने कई ऑप्शंस को उपयोग के आधार पर, हमें कई ग्रुप में इसे बांटे हैं। जैसे इसका पहला आपको ग्रुप बता रहे हैं, पहला है आपका अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल कीज कहने का मतलब है आपका, अल्फाबेटिकल कहने का मतलब कि देखिए ए से लेकर के जो जेड तक के जो जितने भी लेटर्स हैं इन्हें हम अल्फाबेटिकल कीज कहते हैं, ए टू जेड लेटर। इसके बाद न्यूमेरिकल कीज यानी कि 0 से लेकर के जो 9 तक के जो नंबर्स होते हैं इन नंबरों को हम लोग न्यूमेरिक कीज के नाम से जानते हैं। ये तीसरा हमने बांटा था फंक्शन की, F1 टू F12 कीज आर कॉल्ड फंक्शन की। यानी कि देखिए यहाँ से F1 से लेकर के यहाँ तक F12 तक एक कीज होते हैं बने हुए, जिसको हम लोग फंक्शंस की कहते हैं, जो कि स्पेशल करेक्टर के आधार पर स्पेशल वर्क करने के लिए होते हैं। टाइपराइटर में ऐसा फंक्शन की देखने को नहीं मिलता, ना ही बैक स्पेस मिलता है। बैक स्पेस आपका जो है कि पहले उसमें ABCD वाला कीबोर्ड में भी नहीं मिलता था, इसलिए वापस भी हम नहीं कर सकते थे, इसलिए और ज़्यादा हमको परेशानी होती थी। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्लोज ऑप्स दिया हुआ है, एक तरह से बैक स्पेस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लॉजिकल साइन की, यानी कि तार्किक चिन्ह की। लॉजिकल यानी तार्किक चिन्ह की को हम लोग उपयोग करते हैं जो भी सिंबल के रूप में, हिंट फॉर लॉजिक सिंबल सच एज एट द रेट ऑफ, जिससे कि कोई तर्क निकल रहा हो, एक्सक्लामेशन मान, एम्परसेंड ETC एंड कसन ETC, आपको ये सारे चीज। मैथमेटिकल कीज का मतलब है कि वैसे सिंबल्स जो मैथ में उपयोग होते हैं, जैसे मैं आपका जोड़ घटाओ गुना भाग इत्यादि आपका बराबर जो है आपका ये मैथमेटिकल सिंबल हो गया। कम्बिनेशन की का मतलब कि वैसा कि जो शिफ्ट की सहायता से हो, यानी कि बिना शिफ्ट के कोई भी काम ना करे। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर देखिए हमको लिखना है हच लिखना है, तो हच अगर ऐसे लिखेंगे तो देखिए 3 लिखा रहा है ना, लेकिन अगर जैसे ही हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे, देखिए शिफ्ट और 3 तो देखिए क्या लिखा है, हाज। मानते हैं कि ए शिफ्ट 2 होते हैं, कोई घबराना नहीं है। अगर मानते हैं कि एट द रेट ऑफ लिखना है, देखिए एट द रेट ऑफ। तो इस प्रकार से ये हमारा कीज हो गया जो कि कॉम्बिनेशन की, यानी कि शिफ्ट प्लस 1 एक्सक्लामेशन मान 2 से एट द रेट ऑफ ETC। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि शिफ्ट की सहायता से कोई भी नंबर्स के ऊपर जो एक, यानी कि कहने का मतलब है कि एक कीज में यदि 2 ऑप्शन दिया हुआ हो तो ऊपर वाले ऑप्शंस को लिखने के लिए, सिंबल बनाने के लिए हम लोग शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्सक्लामेशन में एट द रेट ऑफ हैश, ये सारे ऊपर में है, तो कैसे लिखेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे लिख देंगे, शिफ्ट को दबाएंगे लिख देंगे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका नेविगेशन की में बहुत ही अच्छा कीज है, जिसमें आपको होम, इंसर्ट, एंड, मूव अप, मोड, इस तरीकों से ये सारे जो कीज देख रहे हैं ये सारे नेविगेशन कीज के अंतर्गत आते हैं। और एक हमने अंतिम पार्ट बांटा है स्पेशल और कमांड की। इस स्पेशल और कमांड कीज के अंतर्गत हम लोग मेन जो है कि कीज को रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ESC की टैब
की कैप्स कैप्स लॉक शिफ्ट की कंट्रोल ईटीसी। यहाँ पर देखिए एस्केप ईएससी यानी एस्केप टैब